इबारे बाला के चेयरमैन का टाकरा 12 मार्च को होगा। हुकूमत और अपोजिशन एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी। नंबर गेम पूरी करने के लिए सेनेटर्स के एजाज में दावतें। अपोजिशन ने सादिक संजरानी के अलविदा इशाइये का बाइकॉट कर दिया। हुकूमत की अपोजिशन को तकसीम करने की चाल नाकाम। परवेज कटक की राह चलते गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की ऑफर। जेयूआई रहनुमा ने डुकॉक अल्फाज में तरदीद कर दी। कहते हैं परवेज कटक से मुलाकात के दौरान ऐसी कोई बात नहीं हुई। हुकूमत को तस्लीम करते हैं, नौ ऑफर की कोई हैसियत है। पीडीएम ने डिप्टी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदरी को नामजद कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की तहरीक इंसाफ के सदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त को नामुकम्मल करार दे दिया। पीडीएम को वीडियो में मौजूद अफराद को फरीक बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क दिए, रिश्वत लेने और देने वाले दोनों मुलव्वस हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्वत देने वालों को फरीक बनाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को फिर कचहरे में खड़ा कर दिया। बोले सबको मालूम है सेनेट इंतखाबात में खुलेआम पैसा चलता है। हालिया सेनेट इलेक्शन में जो तमाशा चला सबने देखा। इखलाकियात तबाह हो जाए तो करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता। मुल्क में पार्लियामान मफलूज हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लिया नहीं दिलवाया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाह खाकान अब्बासी का इल्जाम। कहा यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में भी लोगों को तोड़ा गया। उम्मीद है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में धुंध नहीं आएगी। पहले पार्टी टिकट वापस लिया और अब पार्टी मफलर पहना दिया। बलूचिस्तान से नुमंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर पीटीआई का हिस्सा बन गए। अब्दुल कादिर की शमूलियत पर तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान नाराज। बाबर यूसुफ सही कहते हैं अब्दुल कादिर को पार्टी में शामिल करना था तो टिकट वापस क्यों लिया। आवाम की सेहत पर एक और हमला। जान बचाने वाली मुख्तलिफ दवाओं की कीमतों में इजाफा। शुगर की इंसुलिन 1000 रुपए महंगी। राइजिक 245 से 280 रुपए हो गई। 225 वाली सर्बेक्सी 245 रुपए में मिलेगी। ऑगमेंटन की कीमत 187 से बढ़ाकर 201 रुपए कर दी गई। हुकूमत ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफिन पर 6 अरब 90 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। ठंडी हवा के दरवाजे बंद, गर्मी के साथ महंगाई के झोंके। लाहौर में एसी एयर कूलर और पंखों की कीमतों में 500 से 4000 रुपए तक इजाफा। वॉशिंग मशीन सिलाई मशीन समेत इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम बढ़ गए। महंगाई भी खौरी भी। कराची में अशियाए खुरनोश आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। आम मार्केट में आटा चीनी और घी की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों और दफातर में कोरोना के हमले। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इंतजामिया को खबरदार कर दिया। कहते हैं केसेस की शरह 1 से बढ़कर 6% हो गई है। तालीमी इदारों में हाजिरी 50% रखी जाए। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के इल्जाम पर शाही खानदान ने खामोशी तोड़ दी। मलिका ने हैरी और मेगन की मुश्किलात पर दुख का इजहार कर दिया। बकिंगम पैलेस से जारी बयान में कहा गया कि मलिका शहजादे और उनकी अहलिया के नस्ल परस्ती के दावे को संजीदा से ले रही हैं। बरतानवी अदालत से लॉर्ड नजीर को बड़ा रिलीफ मिल गया। जिनसी इल्जाम का केस खत्म। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के शर्मनाक इकदाम के सबब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उर्दू के मारूफ अफसाना निगार और ब्रॉडकास्टर शमा खालिद इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे रावलपिंडी में अदा की जाएगी। शमा खालिद ने 200 से जायद अफसाने लिखे। मुल्क में पार्लियामान मफलूज हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लिया नहीं दिलवाया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाह खाकान अब्बासी का इल्जाम।
कहा यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में भी लोगों को तोड़ा गया, उम्मीद है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में धुंध नहीं आएगी। पहले पार्टी टिकट वापस लिया और अब पार्टी मफलर पहना दिया। बलूचिस्तान से नुमुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर पीटीआई का हिस्सा बन गए। अब्दुल कादिर की शमूलियत पर तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान नाराज। बाबर यूसुफ सही कहते हैं अब्दुल कादिर को पार्टी में शामिल करना था तो टिकट वापस क्यों लिया। आवाम की सेहत पर एक और हमला, जान बचाने वाली मुख्तलिफ दवाओं की कीमतों में इजाफा। शुगर की इंसुलिन 1000 रुपए महंगी, राइजिक 245 से 280 रुपए हो गई। 225 वाली सर्बेक्सी 245 रुपए में मिलेगी। ऑगमेंटन की कीमत 187 से बढ़ाकर 201 रुपए कर दी गई। हुकूमत ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफिन पर 6 अरब 90 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। ठंडी हवा के दरवाजे बंद, गर्मी के साथ महंगाई के झोंके। लाहौर में एसी, एयर कूलर और पंखों की कीमतों में 500 से 4000 रुपए तक इजाफा। वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन समेत इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम बढ़ गए। महंगाई भी, ख्वारी भी। कराची में अशियाए खुरनोश आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। आम मार्केट में आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों और दफातर में कोरोना के हमले। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इंतजामिया को खबरदार कर दिया। कहते हैं केसेस की शरह 1 से बढ़कर 6% हो गई है। तालीमी इदारों में हाजिरी 50% रखी जाए। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के इल्जामात पर शाही खानदान ने खामोशी तोड़ दी। मलिका ने हैरी और मेगन की मुश्किलात पर दुख का इजहार कर दिया। बकिंगम पैलेस से जारी बयान में कहा गया कि मलिका शहजादे और उनकी अहलिया के नस्ल परस्ती के दावे को संजीदा से ले रही हैं। बरतानवी अदालत से लॉर्ड नजीर को बड़ा रिलीफ मिल गया। जिनसी इल्जामात का केस खत्म। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के शर्मनाक इकदाम के सबब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उर्दू के मारूफ अफसाना निगार और ब्रॉडकास्टर शमा खालिद इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे रावलपिंडी में अदा की जाएगी। शमा खालिद ने 200 से ज्यादा अफसाने लिखे। और माजी के मारूफ अदाकारा जेबा बेगम की सेहत बिगड़ गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जेबा बेगम इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेरे इलाज हैं।